एक बार फिर पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमा पार से गोलीबारी में एक जवान शहीद। यूपी के संभल के रहने वाले थे शहीद जवान सुदेश कुमार, आज उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। शहादत से कुछ घंटे पहले सुदेश ने व्हाट्सएप के जरिए भाई को भेजी थी अपनी तस्वीर, दिवाली पर घर आने का किया था वादा। शहीद सुदेश की पत्नी कविता का रो रो कर बुरा हाल, बेटे की याद में माँ भी गम में डूबी। शहीद सुदेश कुमार के घर वालों ने कहा अपने बेटे की शहादत पर हमें गर्व है, भाई ने कहा शहादत का लूंगा बदला। उरी हमले की जांच में जुटी आर्मी के लिए के जरिए खुलासा, सीढ़ी के सहारे पाकिस्तान के चारों आतंकियों ने की थी घुसपैठ। इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन ने अनुराग कश्यप की निंदा की, कहा उन्हें पाकिस्तान जाकर बनानी चाहिए फिल्म। कल अनुराग कश्यप ने पाक कलाकारों को लेकर करण जौहर का किया बचाव, ट्वीट कर पीएम मोदी से पूछा अपने पाक दौरे के लिए अब तक क्यों नहीं मांगी माफी। हिमाचल के कसौली में लेखक खुशवंत सिंह की याद में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन, इस बार पाकिस्तानी लेखकों को न्योता नहीं। खुशवंत सिंह के बेटे राहुल सिंह ने कहा पाक लेखकों को आमंत्रित नहीं किया, इसका अफसोस है। ब्रिक्स के मंच से पाकिस्तान की घेराबंदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी मुल्क को बताया आतंकवाद का जनक। बिम्स्टेक और ब्रिक्स को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा आतंक के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। पीएम ने चीन के सामने सुनाई खरी खरी, कहा आतंकवाद को लेकर नहीं चलेगा दोहरा रवैया, आतंकी मसूद अजहर का नाम लिए बगैर किया इशारा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने याद किया 2014 का भारत दौरा, कहा मैं मेहनती भारतीय और बहुरंगी भारतीय संस्कृति से प्रभावित। सच सुनकर बौखलाया पाकिस्तान, नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने भारत पर लगाया ब्रिक्स देशों को गुमराह करने का आरोप। मोदी और अमित शाह के गढ़ में गरजे केजरीवाल, सूरत रैली में बगैर नाम लिए शाह को बताया जनरल डायर, बीजेपी कांग्रेस को बताया पति पत्नी। सूरत में अरविंद केजरीवाल की जनसभा का विरोध, प्रदर्शनकारियों ने दिखाए काले झंडे। जनसभा के दौरान पीएम मोदी और हार्दिक पटेल के समर्थन में लगे नारे, पुलिस ने करीब 50 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। आज कोर्ट से आप विधायक गुलाब सिंह का ट्रांजिट रिमांड मांगेगी दिल्ली पुलिस, रंगदारी के मामले में कल उनके सरेंडर के बाद हुई थी गिरफ्तारी। अखिलेश यादव को सीएम उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर गोलबंदी तेज, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र यादव ने प्रेस रिलीज जारी कर सीएम की तारीफों के पुल बांधे। मुलायम को लिखी रामगोपाल यादव की चिट्ठी पर बोले शिवपाल, वे पार्टी के महासचिव और उन्हें सुझाव देने का अधिकार। रामगोपाल यादव ने की थी अखिलेश को सीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने की मांग, शिवपाल बोले बहुमत मिला तो सबसे पहले मैं प्रस्तावित करूंगा उनका नाम। यूपी के माध्यमिक शिक्षा मंत्री विजय बहादुर पाल ने कांग्रेस को बताया मरी हुई गिलहरी, कहा चाहे जितना गोबर सुंघा दो वो जिंदा होने वाली है। बिहार के राजगीर में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक का आज दूसरा दिन, नीतीश को मोदी के विकल्प के तौर पर घोषित करेगी पार्टी। जय गुरुदेव आश्रम में भगदड़ को लेकर वाराणसी के डीएम को हटाए जाने की अटकलें, कल एसएसपी का हुआ था तबादला। हादसे में रविवार को दो और अधिकारियों पर हुई कार्रवाई, अखिलेश सरकार ने वाराणसी सिटी मैजिस्ट्रेट और एडीएम सिटी को सस्पेंड किया। जय गुरुदेव आश्रम में भगदड़ के दौरान जख्मी लोगों से मिले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, हादसे के लिए मुख्यमंत्री को बताया दोषी। हिसार के अग्रोहा मेले में पहुंचे अमित शाह ने कहा देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम सरकार ने किया। केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बयान, आतंकवादी से नहीं बल्कि सेल्फी से लगता है डर, निजता को लेकर दिया बयान। मथुरा में सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद बवाल, नाराज भीड़ ने बस में लगाई आग। उग्र भीड़ ने कई दूसरी गाड़ियों में भी की तोड़फोड़, तमाशबीन बनी रही मथुरा पुलिस, बस चालक की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर में रस्सी बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, बिजली के तार टूटकर गिरने से हादसे की आशंका, लाखों का नुकसान। राजस्थान के टोंक में फोटो खिंचवाने के दौरान मंच टूटा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कई दूसरे लोग गिरे। मंच टूटने की वजह से पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा भी हुए चोटिल, ज्योतिबा फुले मूर्ति अनावरण कथा कार्यक्रम। बिहार के कटिहार में साइड न मिलने पर बाइकर्स की गुंडागर्दी, ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को बीच सड़क पर पीटा। दिल्ली में आईटीओ के पास जबरदस्त सड़क हादसा, बेकाबू तेज रफ्तार कार डिवाइडर के दूसरी तरफ जाकर पलटी, 5 जख्मी, 2 की हालत गंभीर। जेएनयू कैंपस से 15 अक्टूबर से एमएससी फर्स्ट ईयर का छात्र लापता, छात्र से ठीक एक दिन पहले हुई थी मारपीट, एफआईआर दर्ज। आयसा ने एबीवीपी पर लगाया छात्र को गायब करने का आरोप, जवाब में एबीवीपी नेता सौरभ ने इसे सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया।
दिल्ली के तिलक नगर में नशीला पदार्थ पिलाकर लड़की से दोस्त ने किया रेप। 15 अक्टूबर की वारदात, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। दिल्ली के सरिता विहार में जली हालत में मिली महिला की लाश, शिनाख्त में जुटी पुलिस। दिल्ली में एक बार फिर 10 रुपए के नकली सिक्के बनाने वाले गिरोह का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार, 800 सिक्के भी बरामद। मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे 58 पर क्रिकेट के किट बैग में बंद मिली महिला की लाश, रेप के बाद हत्या की आशंका। राजस्थान के प्रतापगढ़ में भाई की पिटाई कर नाबालिग बहन से गैंग रेप, पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोटा में सुसाइड करने वाले सुपौल के छात्र का अंतिम संस्कार किया गया, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। जोधपुर में शराब के नशे में एक युवक ने अपने दोस्त पर सरिये से हमला कर जान ली, आरोपी गिरफ्तार। पटना में दानापुर खरगोल रोड पर एक सेल्समैन को गोली मारकर 3 लाख की लूट, घायल पीएमसीएच में भर्ती। कानपुर में नौकरी का झांसा देकर होटल में लड़की से रेप, एक घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। यूपी के हाथरस में एक ऑयल मिल में अचानक हुआ धमाका, 3 मजदूर हुए जख्मी, मेंटेनेंस वर्क के दौरान एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट की आशंका। मुरादाबाद के सरकारी अस्पताल से नवजात की चोरी, पीड़ित परिवार ने दर्ज कराया केस। हावड़ा में एक महिला की हत्या, घर वालों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज के लिए कत्ल का आरोप। पूर्वी मिदनापुर में चोरी के 6 आरोपी गिरफ्तार, गिरोह के सदस्यों पर पिछले कुछ महीनों में कई वारदात करने का आरोप। मुर्शिदाबाद में बस ने बाइक सवार को कुचला, 2 लोगों की मौत, 1 शख्स जख्मी। बर्दवान में आदिवासी महिला से पहले रेप और फिर विरोध करने पर आरोपी के घर वालों ने की पिटाई, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुरुलिया में गैर कानूनी रूप से फिर कराई गई भैंसों की लड़ाई, हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। जोधपुर में 50 लाख रुपए के लिए बच्चे का अपहरण, एक लड़की और उसके प्रेमी पर पुलिस को शक, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के धौलपुर में एक महिला की संदिग्ध मौत, घर वालों ने बेटे की चाहत में ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। बेंगलुरु में आरएसएस स्वयंसेवक की बेरहमी से हत्या, एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे आरएसएस स्वयंसेवक, किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। दो समुदायों के बीच विवाद के बाद हिंदू संगठनों ने किया धारबंद, पुलिस पर लगाया ज्यादती का आरोप। साउथ दिल्ली एमसीडी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा, भ्रष्टाचार और काम नहीं करने का आरोप लगाया। थाने में मराठा क्रांति मोर्चा ने किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन, 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ी। शौर्य स्मारक कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने से कीर्ति चक्र विजेता शहीद गोपाल के परिजन नाराज, कहा शहादत पर बंद हो सियासत। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक ही मोहल्ले में 23 तलाकशुदा महिलाएं, उन सभी ने कहा 3 तलाक से बेहतर मौत। गुजरात का गिर वन फिर से पर्यटकों के लिए खोला गया, 4 महीने के लिए 16 अक्टूबर तक रहता है बंद। सोनीपत के गन्नौर रेलवे स्टेशन पर शताब्दी की चपेट में आकर सास बहू की मौत, मंदिर से घर लौटने के दौरान हादसा। भरतपुर में पुलिस ने चिता को पानी से बुझाकर निकाला मृतक का शव, 40 साल के शख्स की गोली लगने से हुई थी मौत। बेटे पर पिता को गोली मारने का आरोप, पुलिस ने शव की जांच के लिए गांव में ही बुलाई डॉक्टर्स की टीम। जान बचाकर यमन से दरभंगा लौटी मेडिकल की 2 सगी बहनें रजिस्ट्रेशन के लिए ठोकरे खाने को मजबूर, सीएम के कहने के बावजूद नहीं कोई सुनवाई। मध्य प्रदेश की कटनी में बगैर शौचालय अब नहीं बनेगा पासपोर्ट, स्वच्छ भारत अभियान के तहत कटनी पुलिस का अनूठा प्रयोग। बिहार के मुजफ्फरपुर में चीनी सामान की जलाई गई होली, बड़ी संख्या में लोगों ने जताया विरोध। असम के चिरायदेव जिले में पुल टूटने से लोग परेशान, 20 गांव की आबादी प्रभावित। असम के नौगांव में 9 दिन से बीमार हाथी की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन की तमाम कोशिश रही नाकाम। पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में हेरिटेज रिक्शा राइड की शुरुआत, केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के बेटे सिद्धांत और उनके दोस्त ने किया है डिजाइन। क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी उठाया हेरिटेज रिक्शा राइड का लुत्फ, फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर और एक्ट्रेस ऋषिता भट्ट भी थी मौजूद। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई जाकर मुख्यमंत्री जयललिता से करेंगे मुलाकात, 22 सितंबर से अपोलो में भर्ती हैं सीएम। रविवार को चेन्नई में अपोलो अस्पताल पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत, मुख्यमंत्री जयललिता का जाना हालचाल। कोयंबटूर में जयललिता की सेहत के लिए विशेष पूजा का आयोजन, 36 साधुओं ने किया मंत्रोच्चार। मदुरई में भी AIADM के समर्थकों ने जयललिता के लिए मांगी दुआएं, घी के दीपक जलाए गए। ग्लोबल वार्मिंग के प्रति लोगों को जागरूक करने की पहल, सिलीगुड़ी से निकाली गई साइकिल यात्रा, 1000 किलोमीटर की तय होगी दूरी।
एक बार फिर देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल अवार्ड से सम्मानित हुआ आज तक। आईबीसी इंफोमीडिया ने दिया मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का अवार्ड। इंडिया टुडे टीवी को सबसे भरोसेमंद अंग्रेजी न्यूज चैनल का सम्मान। इंडिया टुडे को मिला सबसे भरोसेमंद पॉलिटिकल मैगजीन का खिताब। बिजनेस मैगजीन बिजनेस टुडे को भी सम्मान। दिल्ली एनसीआर में अधूरे पड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का असर। दिवाली पर कारोबार में करीब 60% की गिरावट। एसोचैम का सर्वे। इस दिवाली 30% तक कम हो सकता है मेड इन चाइना व्यापार। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी सीआईटी ने किया दावा। दिल्ली में आयोजित फैशन वीक का आखिरी दिन डिजाइनर जेजे वलाया और अल्पना नीरज के नाम रहा। देश की भव्यता पर रही थीम। रामगोपाल वर्मा ने जारी किया सरकार 3 का पोस्टर। फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा जैकी श्रॉफ, मनोज वाजपेयी, रोनित रॉय भी शामिल। रविवार को फिल्म कुछ कुछ होता है की रिलीज के 18 साल पूरे। करण जौहर ने कहा आदित्य चोपड़ा और शाहरुख ने मेरे सपने को किया साकार। बुडापेस्ट में मौजूद अभिनेता शाहरुख ने एक तस्वीर शेयर की। फिल्म द रिंग की कर रहे हैं शूटिंग। केरल में अपनी शादी की 34 सालगिरह मनाएंगे सैफ और करीना। आलिया भट्ट ने कहा करण जौहर की फिल्म मैं दिल है मुश्किल में डीजे बनने का अनुभव रहा शानदार। धर्मशाला में खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। सीरीज में लिए 1-0 की बढ़त। टॉस जीतकर कप्तान धोनी ने किया पहले फील्डिंग का फैसला। न्यूजीलैंड ने जीत के लिए दिया 191 रन का लक्ष्य। पहले वनडे में जीत के हीरो रहे हार्दिक पांड्या। 7 ओवर में 31 रन देकर झटके न्यूजीलैंड के 3 विकेट। भारत की तरफ से विराट कोहली ने खेली नाबाद 85 रन की पारी। रहाणे ने बनाए 33 रन। 21 के निजी स्कोर पर धोनी हुए रनआउट। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। बीसीसीआई ने सिफारिशें मानने से किया है इनका। जर्मनी के स्टटगार्ट में नियंत्रित ब्लास्ट कर एक पुराने पुल को गिराया गया। हाईवे बनाने की तैयारी। अमेरिका के नेवाडा में 3000 एकड़ में आग की तबाही। दमकलकर्मी बचाव अभियान में जुटे। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में मैथ्यू तूफान के बाद बड़ा इलाका प्रभावित। रिहायशी इलाकों में भरा पानी। अमेरिकी ओलंपियन स्प्रिंटर टायसन गे की बेटी की गोली मारकर हत्या। 2 लोगों को हिरासत में लेकर जांच में जुटी पुलिस। टोक्यो में कैट फेस्टिवल का आयोजन। बिल्ली का रूप धारण कर बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़।